हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा नाम है तलहा। इसमें मौसम। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है संकट मोचन महाबली हनुमान जी का एपिसोड नंबर पार्ट। हम लेकर लास्ट पार्ट लेकर आ चुके हैं, पार्ट नंबर 5 और लास्ट जो एपिसोड नंबर 4 गुजरी उसमें हम तलहा भाई यार हमें दोबारे का किस प्रकार ही हनुमान जी की पावर देखने को मिली। उसके बाद दर्शन चक्र ही निगल लिया गया भाई। वो किस प्रकार उन्होंने श्री राम जी का नाम सुना तो वो भाई उन्होंने सिर्फ उनका शुक्रिया अदा किया और उठते चले आए हैं। तो रास्ते में उन्होंने काफ़ी देवताओं से भी उनकी भेंट हुई और उसके बाद जैसी वो द्वारका आया और द्वारका को हिला डाला भाई। और उसके बाद सुदर्शन चक्र खा डाला। उसके बाद उन्होंने अपना आकार भरा किया। अब बात भला क्या थी? बात मोहसिन भाई ये थी कि जब उन्होंने श्री राम जी का नाम सुना ना तो वो इतने के उतावले हो गए उनसे भेंट करने, उनसे मिलने के लिए कि जो सुदर्शन था वो उनको रोक रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे बस अंदर जाने दो, मेरे पास टाइम नहीं है इतने युद्ध का कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूं, मुझे अपने प्रभु के पास जाना। उन्होंने कहा फिर चलो ठीक है, ओके कर। उन्होंने आकार बड़ा किया और सुदर्शन चक्र को ही निगल लिया। तो गाइस, आप इससे आगे देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल जबरदस्त खुश हो गए। हैवी, क्या बात बली हनुमान के लिए। अब मुझे राम रूप धारण करना होगा, राम रूप धारण करना होगा। और राम के रूप में आ राम राम जी के रूप में आ गए। आंखों में आंसू मोहसिन भाई, क्या यार, उनकी कोई सीमा ही नहीं थी भक्ति की राम जी के लिए। दास उनके भाई, दास बिल्कुल। श्री राम 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 श्री
माता राम मत पिता रामचंद्र रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नर्निन्यं जाने न जाने न जाने लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंश नाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। क्या बात है। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। यार उन्होंने पांव झुक के आशीर्वाद लेना चाह रहा। क्या लेवल है था यार भक्ति का। नाथ मैं निरंतर आपकी वंदना करता हूँ, आपके चरणों का ध्यान करता हूँ, पर आज आपके साक्षात शुद्ध चरण कमल से, तुलसी की सुगंध से दास का हृदय तृप्त हो गया। दास का हृदय इतने वर्षों पश्चात तुम्हें देखकर मेरा हृदय भी गदगद हो गया। पिया मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु। वत्स हनुमान, मुझे यहाँ द्वारका में देखकर तुम्हारे चित्त में कोई जिज्ञासा तो नहीं उठी। या कोई और भी बात यदि मन को व्यथित कर रही हो ना तो संकोच ना करो, पूछ लो। प्रभु आप संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं, आप तीनों लोक में हैं, तीनों कालों में हैं, सभी समय सभी स्थान पे उपस्थित रहते हैं। आपके कहीं भी होने में आश्चर्य कैसा। कहीं भी हो ऐसे आचार पर माता सीता कहीं दिखाई नहीं। माता सीता और ये आपके समीप ये सेविका कौन है। सेविका लेकिन वो तो पता नहीं।
मनी जी। कृष्णा जी ने रुक्मिणी जी का भी रूप बदल दिया, माता सीता का रूप दे दिया। हाय 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 हाय, क्या बात। माता सीता, पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी रघुपति भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। तो गाइस यहाँ हुआ ये पार्ट खत्म, और इसके साथ हमारी जर्नी भी बिल्कुल इस सीरीज से रिलेटेड। और गाइस क्या आनंद आया, क्या मज़ा आया कि जब हनुमान जी कृष्णा जी के उन्होंने अभी उनके उस पर कदम ही रखा है, साथ ही कृष्णा जी उठ के और वो अंदर आते साथ ही उन्होंने सबसे पहले कृष्णा जी ने अपना प्रिय हनुमान के लिए मुझे अपना रूप चेंज करना होगा, श्री राम जी श्री राम के का रूप में आना होगा। तो और यार उसके बाद उनकी भक्ति देखी, ओए होए होए यार, उसका लेवल ही अलग है मोहसिन भाई, लेवल ही अलग है। अगर देखा जाए कि जब उनकी नज़र श्री राम जी पर पड़ी है उसके बाद वो अपनी सेंसेस में रहे ही नहीं, जिस तरह वो समय रुकना गया उनके लिए। वो कहते हैं कि कितने समय बाद आप बस आदेश दे दीजिए कि मेरे लिए क्या आदेश है। तो जब कृष्णा जी ने उनको गले लगाया, हाय 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 हाय, उसके बाद उन्होंने पूछा, जब उन्होंने कहा कि माता सीता नहीं नजर आ रही तो फौरन रुक्मिणी जी माता सीता के रूप में उपस्थित हो गई हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हाँ, ये जो कृष्णा जी हैं वो भी राम जी ही हैं क्योंकि वो एक ही अवतार हैं, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की है। तो गाइज हनुमान जी की भक्ति देखकर हम तो मज़ा आ गया हमें तो। और उसके बाद जो है उनको वो नहीं मुझे समझ लगी कि उन्होंने वो जो पीछे खड़ी थी उनका उनके बारे में क्या, ये सेविक लेकिन आई थिंक वो तो पत्नी है उनकी, रिएक्शन भी देखा कि वो किस तरह एकदम वो भी सैड हो गई ना भाई कि मैं तो पत्नी हूँ। अब कन्फर्म नहीं पता गाइस, हमें गाइड कीजिएगा, लेकिन बहुत 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 मज़ा आया ये देख। ये पांच पार्ट्स पर गाइस हमने रिएक्ट किया, पर पांचों पार्ट ही बहुत एक्साइटेड और मज़े के गए गाइस, हमें बहुत मज़ा आया। किस प्रकार उन्होंने सिर्फ राम जी का नाम सुना, कहां से कहां, कैसे द्वारिका, और उसके बाद उनकी भक्ति देखकर। तो अगर आपको भी इन पार्ट्स का मज़ा आ गया होगा इस, तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि हमारी सीरीज लीडर कृष्णा चारी है वो वाइंड अप होगी, वो हम कंप्लीट करेंगे। बस उसी के साथ साथ आपको बताया था कल लास्ट वीडियो में भी, मैं दोबारा रिमाइंड भी करवा देता हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी सीरीज रिएक्शन जो होगी वो सिया के नाम पर होने जा रही है। तो बहुत जल्द आपको उसके भी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। उन वीडियोस को भी, आने वाले वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।